सोलार पैनल। तो सोलार पैनल जब आता है ना तो उसे सफाई करने में बहुत परेशानी होता है। आज आप लोगों के लिए कुछ अनोखा लाया हूँ जो बहुत ही हट के होने वाला है। ऑटोमेटिक पानी चालू होगा, ऑटोमेटिक बंद होगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देख लीजिए, 1 महीना हुआ है, इतना डस्ट हो चुका है जो सोलार का एनर्जी कम कर देता है। तो इसमें लगाएंगे कैसे? एक साइड तो लग जाएगा, लेकिन सोलार के ऊपर बैठ के इस सब में कैसे लगाएंगे? ये मिडिल में, यहाँ पर मिडिल मिडिल में, तो ये दिखाऊंगा। और इस साइड भी सोलार पैनल है, यहाँ पर तो एक एक करके लगाऊंगा तो वो हो जाएगा। डायरेक्टली स्लोप है, सभी वास हो जाएगा। तो चलिए कुछ अलग अलग आइडिया दिखाते हैं और आपको भी मज़ा आएगा। तो यहाँ पर कुछ पड़ा है जो ऑटोमेटिक के लिए, यह है स्प्रिंकलर जो आपका ऑटोमेटिक पानी को आरा मार के निकालेगा, और ये है आपका टाइमर। खोल के यही चीज अगर आप लगाते हो तो आप दिन में 1 मिनट अगर चालू करना है ना, जितना भी टाइम है वो आप चालू कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बार सेटिंग करके चले जाना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अगर परचेस करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन इसके साथ और भी एक चीज़ लगाना पड़ेगा, तो उसका भी लिंक दे दूंगा। इसके साथ जो है सोननेट वाल्व, ये है देख लीजिए, इसको कनेक्शन करना पड़ेगा तो ऑटोमेटिक जो है आपका पानी चालू होगा। ये है आउट, और इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये आउटलेट पानी निकलेगा और यहाँ टैंक का कनेक्शन जो आता है देना पड़ेगा। ओके, तो चलिए हम इस सब पहले फिटिंग कर लेते हैं सभी चीज़, और आपको दिखाते भी है साथ साथ में, तो बहुत मज़ा आएगा और कुछ अलग जानकारी मिलेगा। और ये कुछ क्लैंप है जो ये ऑफलाइन में यहाँ 150 रुपये मिला है, लेकिन ऑनलाइन में सस्ता मिलेगा। लेकिन फुल सेट नहीं है, सिर्फ स्प्रिंकलर है। बाकी यहाँ सोलर पैनल का सेंटर टू सेंटर मेजरमेंट हो रहा है जो आपका स्प्रिंकलर लगने वाला है। बाकी आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पर पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, क्या क्या चीज़ मिला है क्या नहीं मिला है, पूरा डिटेल्स में वहाँ दिया जाएगा। और यहाँ पर टाइमर जो है इलेक्ट्रिशियन लगा रहे हैं, तो ये जो है इलेक्ट्रिशियन लगा सकते हैं, प्लम्बिंग को जिसे आता है तो वो लगाते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, क्लैम जो है 50% जा रहा है पाइप के अंदर, तो इसे आप स्ट्रेट भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसे भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर अपना पोजीशन है, इस तरीके से आप दो पाना भी लेके बॉक्स पाना लगाकर हल्का सा गैप कर दीजिए तो और भी अच्छा से बैठ जाएगा। बट इसमें मेरा और एक दो जो है क्लैम टूट चुका है। अब काफ़ी कुछ करने के बाद यहाँ पर जो है सोलेनोइड बल्ब लगने वाला है, तो उसमें पहले एम्प्टी लगाना पड़ेगा दोनों साइड। यहाँ पर इसे हम पहले टाइट कर लेते हैं अच्छे से। ये थोड़ा कॉस्टली है बट इसका काम जो है बहुत अच्छा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर खरीद सकते हो। 1/2 इंच का है, 1 इंच का भी ढूंढ के पाऊंगा तो दे दूंगा ये, लेकिन मेरा जो काम हो रहा है 1 इंच में हो रहा है। ऑफलाइन में भी मिलेगा, सेम रेट में मिल जाता है, या फिर थोड़ा सा अप डाउन होगा। और यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है आउटपुट है, इधर से पानी निकलेगा और इधर से इन होगा। ओके, तो ये चीज़ दोबारा समझा दिया था कि आप लोगों को याद रहे, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। अब चलिए कनेक्शन करते हैं मेन लाइन से टी मार्कर। आप जो है दोस्तों देखने वाली चीज़ है, यहाँ मैं बल्ब ऑन किया, देख लीजिए पानी अभी नॉर्मल चालू है, प्रेशर पंप ऑन नहीं किया क्योंकि बहुत जोर छाटेगा, तो पानी नहीं निकल रहा है। और ये है जो केबल कनेक्शन, इसका केबल कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, जो सभी चीज़ दिखाऊंगा। यहाँ पर पहले मैं मैनुअल में क्लिक करूँगा और पानी चालू होता है कि नहीं वो देखूँगा। ठीक है, तो इसका यहाँ देख लीजिए किया ऑन, और ये जो है मतलब पानी उतना देर चालू रहेगा जब तक आप मैनुअल बटन को फिर से ऑफ मतलब क्लिक ना करोगे, तो इसे फिर से क्लिक करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं टाइमर सेट कर रहा हूँ, मतलब आपको दिखाऊंगा जो कट टू कट टाइम में ये पानी चालू होता है कि नहीं। आप जितना भी टाइम में चाहो उतना टाइम में रख सकते हो, तो मैं यहाँ टाइमिंग सेट कर लेता हूँ।
2:54 हो चुका है, तो 2:58 में मैं यहाँ सेट करता हूँ और 1 मिनट का सेट करके पानी बंद करता हूँ। यहाँ पर टाइमर का सिका इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि 5 मिनट 6 मिनट ऑलरेडी टाइमिंग में ले लेगा अगर सिखाने जाऊँगा तो। यूट्यूब में है वीडियो, सर्च करिए मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो बोलिएगा, तो मैं खुद बना दूंगा टाइमर का वीडियो, लेकिन उससे पहले मुझे भी अच्छे से जानना पड़ेगा ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो यहाँ पर 2:58 में मेरा सेट हो चुका है। ओके, अब 2:59 में मेरा ऑफ टाइम कर दिया हूँ, तो इसे मैं क्लिक कर देता हूँ। टाइम हो चुका है, अब 2 मिनट बाद पानी चालू होगा। देखिए तो यहाँ 2:57:58 जैसा हुआ, देख लीजिए पानी ऑन। तो ज़्यादा तो पानी ये नहीं करूँगा आपको, वीडियो इतना बड़ा नहीं बनाऊँगा, कट कर देता हूँ। 2:58 जैसा हुआ आप देख लीजिए, 2:59 जैसे होगा पानी बंद हो जाएगा। मैं स्किप कर देता हूँ वीडियो थोड़ा सा। ये देखिए 59 जैसे हुआ वैसे ही बंद हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आपको केबल कनेक्शन भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ, अगर आप कहीं पर भी रहते हो करते हो तो इसका आपको नॉलेज थोड़ा मिल जाएगा। ये जो आपका दो गया है देख लीजिए, ये सोनेट बल्ब में, ये सोनेट बल्ब में आपका गया है एक रेट। ये जो है आपका 4 नंबर में कनेक्शन हुआ है एक, और ब्लैक जो है आपका 1 नंबर में कनेक्शन होकर सोनेट बल्ब जो है उसमें कनेक्शन हुआ है। ओके, वायर। और जो है आपका नंबर 2 से एक कनेक्शन गया आपका बोर्ड का पॉइंट के लिए, और नंबर 3 से जो है एक आपका नंबर 2 में जाके कनेक्शन हुआ है। ओके, और जो भी है इलेक्ट्रिशियन का आप समझ लीजिएगा, यहाँ पर जो कनेक्शन हुआ है एक नंबर 1 में कनेक्शन हुआ है इलेक्ट्रिक का, जो आपका स्विच बोर्ड में जाएगा, एक नंबर 2 में कनेक्शन हुआ है, और नंबर 2 से और एक कनेक्शन जो आया है नंबर 4 में, यहाँ पर नंबर 3 में होकर आपका कनेक्शन हुआ है। ओके, तो नंबर 5 जो है वो कुछ नहीं, बाकी आपको एक इमेज दे देता हूँ ये देख लीजिए, और कुछ नहीं, इसमें आप देखकर समझ सकते हो, बाकी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। माफ़ करिएगा, मुझे इलेक्ट्रिशियन का उतना आइडिया नहीं है इसलिए समझा नहीं पाता हूँ, और यहाँ पर थोड़ा अलग अंदाज में चलते हैं। और सर जी, चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगता है तो, अगर बुरा लगता है तो जरूर डिसलाइक कर दीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, 1 इंच का UPVC पाइप को मैं कटिंग करके बीच से चीरा और होल किया, और 10 mm का सलिया लगाया। ओके, और यहाँ मिडिल में है ना, यहाँ पर मैं सोलर पैनल के ऊपर तो बैठ कर काम नहीं कर सकता, तो यहाँ नीचे से ही करना पड़ेगा। गैप सिर्फ 1 इंच जैसा है, तो यहाँ पर चिल्ली क्लैंप लिया, नीचे से पाइपलाइन कर रहा हूँ। तो अगर ऐसा सिस्टम कहीं रहता है तो इस तरीके से आइडिया से आप कर सकते हो, इससे बहुत अलग अलग भी आइडिया लगा सकते हो, जो एक वीडियो में मैं तो सब बता नहीं सकता। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या तरीका होता है। तो सर जी, अब जो हो चुका है पूरा काम कंप्लीट, यहाँ पर देख लीजिए। अब आपको थोड़ा सा पाइपलाइन भी दिखा देता हूँ, किधर किधर से किस तरीके से लिया हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए। और मैं मीटर सेटिंग कर लूँगा, फिर डायरेक्टली मैं पानी चालू करके दिखाऊंगा। यहाँ पर देख लीजिए, सब लाइन नीचे से लिया, और यहाँ 45 बेंट मार के ऊपर उठाया हूँ, और यहाँ पर भी टी मार के 45 मार के नीचे से ले लिया। ओके, और ये जो लाइन है मेरा इधर गया नीचे, यहाँ सोनेट वाल्व लगा है, और ये टी लगा है, इधर आपका 3 पैनल का लाइन है, तीनों में लगा है, और इधर से जो है आपका इस साइड आ चुका है, 6 पैनल इस साइड लगा है। आप चलिए पानी चालू करके दिखाते हैं। तो इस तरीके से आप हर दिन सुबह 5 बजे 4 बजे जितना बजे हो धूप निकलने से पहले पानी चालू कर दीजिए और धो दीजिए 1 मिनट। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, एक बार सेटिंग कर लीजिए बस हो जाएगा, बाकी वो अपना आप चलता रहेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया है, तो जल्दी से लाइक और शेयर ठोक दीजिए। फिर मैं यूज़ करूँगा आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास, किसी दूसरे के साथ।